सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन स्टू बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। और आप इस मेथड से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आइए हम देख लेते हैं हमको चिकन स्टू बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और 5 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इनको मैंने काट कर रख लिया है। इनको बहुत फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। और 3 से 4 टेबल स्पून दही लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे गार्निशिंग के लिए। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको कि मैंने जूलियन काट कर रख लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 4 मैंने साबुत लाल मिर्च ली है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। गरम मसालों में मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 10 से 12 काली मिर्च ली हैं, 4 से 5 लौंग ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 4 छोटी इलायची ली हैं। और 4 से 5 टेबल स्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर में तेल गरम कर लेंगे और उसमें हम सभी साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे। और इन गरम मसालों को हम कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाए। और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। हमें इसको इस तरह से फ्राई करना है कि हमारी प्याज जो है लाइट पिंक कलर की हो जाए। हमें इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। साथ ही में हम इसमें साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, प्याज को हमने लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लिया है। हमें इससे ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। इतना फ्राई करने से प्याज में एक बहुत ही अच्छा सा सोंधापन आ जाता है जिससे कि चिकन स्टू बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, चिकन को हमने इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें सभी पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, यानी कि नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। और साथ ही में हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने यहाँ पर स्लाइसेस में कट कर लिया है जिससे कि आसानी से गलेंगे। और अब हम इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। हमें इसको इस तरह से फ्राई करना है कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, हमने टमाटर के सॉफ्ट होने तक चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है और हमारा चिकन जो है वो ऑयल सेपरेट नहीं कर देता है। ये देखिए, हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मैंने चिकन स्टू को कुकर में बनाया है। आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं क्योंकि चिकन जो है वो पैन में भी आसानी से गल जाता है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 100 ml के करीब पानी ऐड किया है। हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अब हम इसमें लेड लगा देंगे और जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। हम इसे ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे क्योंकि जो चिकन है वो मटन के कंपैटिबली बहुत जल्दी गलता है। और 3 से 4 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हम इसके प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें जो टमाटर और प्याज हैं वो बहुत अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और चिकन स्टू का बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। अगर आप इसको पैन में बना रहे हैं तो आप इसको 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पका लें और जब आपका चिकन गल जाए तब आप गैस की फ्लेम को हाई करके 3 से 4 मिनट के लिए इसको तभी भी फ्राई कर लें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है चिकन स्टू का। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हमारा चिकन स्टू ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है।
अब यहाँ पर आप इसकी ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, यहाँ पर मैं 50 ml के करीब पानी डालूंगी और इसको मैं मिक्स करूंगी। और लो फ्लेम पर मैं इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए पका लूंगी, जिससे कि जो इसमें पानी डाला है उसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। ये हमने इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए ढककर पका लिया और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें जूलियन अदरक और हरा धनिया गार्निश करेंगे और इसको एक मिक्स देंगे और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आप इस चिकन स्टो की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको रोटी, चपाती, नान या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरा फेसबुक पर पेज है और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ कुक विद लुबना के नाम से, तो प्लीज़ आप मुझको वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।